गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है वीरवार, यानी कि पीर बाबा का दिन, साईं बाबा का दिन। तो मैंने अपने हिसाब से अपना नाइट सूट येलो पहन लिया है गाइस, क्योंकि येलो तो पहनना ही पहन है। और बस अब उठ के अभी मैंने नहा धो के, ये भी नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुका है सब कुछ। तो बस अब राधा की वेट हो रही है कि राधा कब आए, झाड़ू पोछा मारे, बर्तन सफाई करे और मैं किचन में जाके रोटी बनाऊँ। वो भी थोड़ा सा उसको देर हो जाती है आने में, 2:30 बज जाते हैं। पहले थोड़ा जल्दी आ जाती थी, तो अब फिर भी आने में 2:30 बज जाते हैं। बस मैं उसी की वेट कर रही हूँ कि वो आए। और मैं बस, मैंने ना दोपहर के लिए छोले भिगो रखे हैं वाइट, अब वाइट वाले छोले बनाने हैं। तो बस अभी अभी उबलने रखती हूँ मैं। अभी अभी इनके साथ बैंक गई थी, बैंक से आई हूँ, बैंक से आके फटाफट छोले उबलने के लिए रखती हूँ। इतनी देर में राधा आ जाएगी और फटाफट साथ ही साथ खाना बन जाए। कल रात को मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं मम्मी के घर से आई थी, आके मैंने चाय पी ली। चाय पी के मेरा मतलब पेट भर गया, तो मेरा दिल ही नहीं कर रोटी खाने का। जब इन्होंने रोटी खाई तो मैंने रोटी नहीं खाई, मेरा दिल नहीं किया। रात को जब 1:30-2 बजे मुझे भूख लगने लग पड़ी कि अब मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या किया मैंने गाइस, फटाफट बनाए चावल मटर वाले। तो मैंने चावल बना के रात को अचार के साथ चावल खाए, फिर मैं जाके सोई। मतलब अगर इंसान भूखा रहता है तो पेट में गुड़ 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 होती रहती है, नींद ही नहीं आती है। रात को चावल बनाए। ये देखो गाइस, ये कुकर मैंने ऐसे ही कमरे के अंदर रख दिया था ताकि एसी के अंदर कि चावल ख़राब ना हो। तो अभी दोपहर को ये चावल खा लेंगे। और ये छोले भिगो के रखे हुए हैं इसमें, मैं एसी के अंदर रख देती हूँ। देखो बिल्कुल ठंडा कुकर है ताकि वही पानी भी अच्छे से इसमें उबले ना। तो पानी बिल्कुल गाइस इसमें उबलता नहीं है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी रहता है। कल रात को मेरा दूध ख़राब हो गया था, नुकसान हो गया। चलो देखो, नुकसान तो नुकसान ही है, दूध ख़राब हुआ चाहे पनीर बना, नुकसान है। आज सुबह सुबह मैं ब्रेड पीस सेक रही थी गाइस, ब्रेड पीस सेक रही थी, तो कोरियर वाला आया तो उसका फ़ोन आ गया। मैं सुनने लग पड़ी फ़ोन, तो तीनों के तीनों मेरे ब्रेड पीस देखो काले हो गए। अभी खाने के तो थे नहीं। ये देखो, ये भी नुकसान हो गया। यानी कि कई बार नुकसान होता है तो होता ही रहता है। ये देखो ब्रेड पीस नुकसान हो गया। फिर दोबारा मैंने ब्रेड पीस दोबारा निकाल के दोबारा सीखे, सड़े हुए तो खाए भी नहीं जाते। बस अभी अभी मैं शॉप पे आई थी, तो मैंने कहा वीरवार है तो साईं बाबा जी के कपड़े भी चेंज कर देती हूँ। पहले येलो कलर के थे, आज ग्रीन कलर के हैं। बहुत सुंदर कपड़े हैं ग्रीन कलर के। मैं 5-6 ड्रेसें लेके आई थी साईं मंदिर से, रोनी से। तो ये देखो ग्रीन कलर की ड्रेसेस में पिंक फूल हैं, तो पिंक की मैंने इनको, ये हार है और पिंक की इनका मुकुट है, मुकुट भी बहुत सुंदर है। तो आज तो साईं बाबा जी को जच गया। आज तो साईं बाबा जी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इनके, बहुत अच्छे अच्छे ग्रे कलर की ड्रेस की इनकी, बहुत सुंदर है। इनका पर्पल है, ग्रीन है, बहुत सारी ड्रेस है इनके पास। और मुकुट मैचिंग मैंने पहना दिया है। ओम साईं राम, ओम साईं राम। आज शॉप पे भी लड्डू गोपाल जी के कपड़े, और शॉप पे भी मैंने साईं बाबा जी के कपड़े चेंज किए थे, इनके भी नए पहनाए हैं गाइस। देखो ये शेगिस लेके आई थी, देखो लिखा है ओम साईं रेड, इनको पहनाए हैं। और साथ की माला है, साथ का ही मुकुट है। और साईं बाबा जी को भी नए पहनाए हैं और लड्डू गोपाल जी को भी नए पहनाए हैं गाइस। देखो बिल्कुल साथ की मुकुट है, इनको भी नए पहनाए हैं। तो दोनों भाई एक जैसे पहनते हैं, उनके भी मैचिंग, मैंने उनको भी मैचिंग पहना दी। सबको नए कपड़े पहनाए हैं गाइस। आई वीरवार है, सब ने ही नए कपड़े पहने हुए हैं। सुंदर लग रहे हैं ना गाइस इनके कपड़े, लड्डू गोपाल जी के तो वैसे कपड़े। देखो इनकी मुकुट, इनकी माला, इनके ये देखो बांसुरी, ये देखो इनकी बांसुरी कितनी सुंदर लग रही है गाइस। राधे राधे, राधे राधे। रौनक वो देखा कोको को? दिखती नहीं है वो। नहीं वो दिखती क्या? कोको तो तेरे, कोको तो तेरे पास ही होती है। छत पे चली गई, मुझे नजर ही ना, ना वो आती नहीं आज, मुझे नजर ही नहीं आई कमरे में। जब से मैं शॉप से आई हूँ ना, तो मुझे पूछी तो नजर आई है, तो चीना है, पूछी है, हम सब खड़े हैं बातें कर रहे हैं, मगर मेरे कोको नजर नहीं आई। ऊपर कबूतरों को चिल्ला रहे हैं। कौन से कबूतर है? इस समय 8 बजे तो कबूतर नहीं होते। वहाँ भोंकते तो है, फिर वो चुप नहीं करती। हाँ ऊपर नीचे जाके। आजकल पता बाहर का दरवाजा खोलो ना, फटाफट जैसे स्कूटी अंदर आती है स्कूटी में खड़ी हो जाती है। इनकी स्कूटी पे साठ तक के बैठ जाती है, झूले खाती आती है। जैसे छोटे बच्चे नहीं खाते थे, गोलू छोटी होती थी, चीना छोटी, फटाफट पापा आगे, पापा आगे, फटाफट स्कूटी पे आगे बैठते थे, बस अंदर आते थे, बच्चे खुश हो जाते थे। ऐसे ही मैं पूछी नहीं बैठी कभी भी।
मैं भी तो ऐसे करती थी मेरे पापा डिंपल की गली में रहते थे हम लोग ये गली के पार तक छोड़ते थे वहाँ से पैदल चले पैदल आते थे वहाँ से झूले जरूर खाते झूला खाने है ना हाँ तो कोको भी खाती है कोको आई क्या कोको है होगी हाँ पूछी आई है एल पूछी रानी बड़ी पूछी आई है पूछी कहाँ से आई है पूछी 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 से पूछो कि को पूछी कोको कहाँ है पूछो कोको कहाँ है कोको तेरी बहन कहाँ है एक साल छोटी कोको पता नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं जाम मर्जी रहे ये नहीं ये अपना मस्त है अगर ऊपर जाती भी है ना छू छू पोटी करके फटाफट आ जाती है बट ये ऊपर नहीं बैठती वो बैठती है वो अपना ही खुशी मजाक चलो लपते हैं उसको अपने आप मस्त रहती है वो हाँ लपती हूँ उसे जाके चिंता लगी जाती है मुझे लगता है कि कहीं कहीं बाहर तो नहीं चलेगी बाहर आवाज मारती हूँ चीना को बोलती हूँ चीना जैसे बोलेगी ना वो मेरी कुकी फटाफट नीचे आ जाएगी जैदू जैदू आपका नाम क्या है जैद जैद बोलो जैद ज्यादा 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 बोलो ज्यादा तुबा बोल दे तुबा अच्छा तुबा अयानू अयानू जय कर दो जय कर दो जैद हाय फाई हाय फाई हाय फाई हाय फाई ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया बाबा हाय पुच्ची अच्छा वो नाना नाना बोलना नाना 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 देखो बाबा नाना बोल रहा है नाना नाना चीना ये जो ड्रेस पहनी है तूने ऐसे ऊपर इसकी शक भी है ना नहीं ये टॉप अलग है इसके साथ तो वो स्लीवलेस टॉप है और शक है पूरी शक है ना वही तो कह रही हूँ सेम है ना अच्छा सेम है ना वही तो कही जा रही हूँ अच्छा गर्मी में मतलब ऐसे तूने पहनी नहीं है हाँ। बाबा आज तो आयान भी आ गया आपके पास बढ़िया मस्त मतलब आपके पास ना इसकी नाना बोलने पर आई गया था नाना 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 अयान की हरकत ही कुछ अच्छी लगती थी मतलब उसकी चीजें मुझे पसंद है वो कुछ भी करता है ना मुझे अच्छा लगता है बस एक अयान हमारे घर आया ही नहीं और तुबा मारने में चिड़चिड़ेपन में हाँ जैद चिड़चिड़ापन में तुबा हाँ एक सेकंड अच्छा कुछ ना मिले ना जैसे अगर उसके हाथ में हमको चीज है उसके हाथ से कुछ चीज दे दो ना दो रोने लग पड़े ऐसे सुबकिया सुबकिया मार मार के ऐसे कैसे करते हैं हाँ रूते और अयान चुपचाप दे देगा मतलब अयान या तो ले भी लेगा चुपचाप दे भी देगा कोई चिड़ता विड़ता नहीं ये चिड़ता है अपने अपने बच्चे का सबका अपना अपना अगर सारे एक जैसे हो जाए तो फिर सारे कहे ना ये पांचों उंगलियां बराबर थोड़ा होती हैं सारे तभी तो कहते हैं तीनों बच्चों में से तूने सबसे ज्यादा हिद करी चीजें लेने में आप बताओ मैंने करी क्यों सबसे अजीत यही तो करती थी हाँ देख ले बॉयकॉट बॉयकॉट पापा बॉयकॉट मैं आग मार रही हूँ से मेरा नाम मत लेना हाँ पापा पापा मेरी साइड ले रहे हैं ना नहीं वो जो हकीकत है वो ये कहता है हां गोलू भी थी ऐसे तो वो भी नहीं गोलू नहीं था गोलू तो तंग नहीं करती थी कल्लू तंग नहीं करता था ये ना जी जी ज्यादा करती थी याद है एक बार वीरजी की दुकान में लेट गई थी वहां पे ये दुकानों में जाके पूरी दुकान के अंदर ही उठा के लाए वहां से उठा के इसको लगता है डांट बांट के लाए थे डांटा था मुझे वो डांटा था ऐसे दुकानों पे लेटने का मतलब है इसको भी उठाओ गुफे गुड़िया गुड़िया थी बड़ी वो भी साथ लेके आई मैं अब अभी गुड़िया का घर लेके जाऊंगी अभी लेके जाऊंगी उस टाइम मैं 1300 रुपए बहुत ही होते हाँ मैं 1300 कुछ भी नहीं था उसमें सिर्फ डॉल थे दो उसके कपड़े थे हाँ दो किचन सेट थे कुछ नहीं था उसमें सिर्फ हाँ। कपड़े थे सिर्फ और घर में आके धक्के खा रहे थे इधर किचन सेट अलग पड़ा था बात बोलूं आप मेरे को बोल रहे हो मैं तो फिर कन्नू की जितनी गाड़ियों से घर भरा होता था ना तो मेरा नहीं था मेरी बस बड़ी चीज उसकी छोटी छोटी करके कितनी सारी चीजें थी कन्नू के लिए तो कहीं भी कहीं जाते थे गाड़ी आती थी हाँ कोई भी घर का कोई जाता था गाड़ी लाता था कोई भी
को याद है माँ जी एक बार हरिद्वार गई थी, माँ जी हरिद्वार गई थी लकड़ी का सामान लेके सबके लिए और कन्नू के लिए लकड़ी की गाड़ी लकड़ी की गाड़ी लाई थी और कन्नू की आदत थी पूरे बेड के ऊपर गाइस ये देखो जैसे ये है ना ये बता ये देखो ये ऐसे कोना फिर ये ऐसे कोना फिर ये ऐसा कोना यानी कि 1/3 पे पूरी गाड़ियां होती थी। हम मतलब कि इधर बैठ नहीं सकते थे, अगर हम ऐसे बैठते थे हमारे पीछे गाड़ी चुपती थी हमें और हमें हटा रहता था हाँ नहीं और बैठा रहता था गाड़ी के पास बैठा रहता था मतलब गाड़ियां हम मतलब बैठ के अंदर टप्पा मार के आते थे। वो चेंज करता था लाल उठाई यहाँ से हरी मारक दी नहीं हमने बेड पे बैठना होता था टप्पे मार के जाते थे। ट्रैक भी लेके दिया था ना कुछ गाड़ियों वाला ट्रैक जिसमें गाड़ी ऑटोमेटिक चलती थी ट्रैक भी था बहुत कुछ था रिमोट कंट्रोल में ली थी बहुत कुछ था बहुत कुछ था और JGB के गाने आते थे कितना डांस करता था है ना JGB के गानों पे डांस करता था बड़ा खुश होता था उसकी भी अपनी लाइफ थी। अब भी देख ले गाड़ियों में उसको गाड़ी का अभी भी गाड़ी का ही शौक है अगर बचपन में अगर जैद ऐसा है तो बड़ा होकर जैद ऐसा बनेगा बुढ़ापा देख लो गाइस बस ये अगर मुँह चटा दे तो अभी भी जैद ही है अभी भी जैद है आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं। आज जरा ब्लॉग छोटा बना है तो कोई बात नहीं, कल कोशिश करूंगी बड़ा बनाने की, कई बार नहीं भी बन पाता। तो हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है tarunbasra9 जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो उसको भी जल्दी जाके फॉलो कर लो और हमारे फेसबुक पे भी ब्लॉग आते हैं, अगर वहां भी किसी ने हमें फॉलो नहीं किया तो वहां भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ एक नई सुबह के साथ, जब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर, अपना भी ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। Bye guys.